फ्रेंड्स, मैं सना फारूकी आप सभी व्यूवर्स का मेरे यूट्यूब चैनल द कॉमर्स हाउस में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है टैली सॉफ्टवेयर में डेबिट नोट वाउचर क्रेडिट नोट वाउचर्स में एंट्रीज करना सीखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं द कॉमर्स हाउस के नाम से मैंने कंपनी ओपन कर रखा है। गेटवे ऑफ टैली मेन्यू में हेडिंग है ट्रांजैक्शंस। इस ट्रांजैक्शंस के अंदर अकाउंटिंग वाउचर्स है, इसे आप एंटर करेंगे तो हमारा यहाँ पे डेबिट नोट क्रेडिट नोट वाउचर्स ओपन होगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे डेबिट नोट वाउचर क्या होता है। डेबिट नोट वाउचर की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F9। ए डेबिट नोट वाउचर इज यूज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन डिटेल्स ऑफ द परचेजेस रिटर्न्स और रिटर्न आउटवर्ड्स। मीन्स डेबिट नोट वाउचर्स में हम वो एंट्रीज करते हैं जब हमने परचेज किया है सामान अपने सप्लायर से, बट किसी भी रीजंस की वजह से, वो रीजंस आपका गुड्स डैमेज हो सकता है, गुड्स डिफेक्टिव हो सकता है, या एज पर योर स्पेसिफिकेशन गुड्स नहीं था, तो जो गुड्स आप सप्लायर्स को वापस करेंगे परचेजेस रिटर्न बोले या फिर रिटर्न आउटवर्ड्स बोले, बोथ आर सेम। ऐसी एंट्रीज हम डेबिट नोट वाउचर्स में करेंगे। तो टैली में देखने के लिए मैम डेबिट नोट वाउचर शॉर्टकट की Ctrl+F9। तो मैंने Ctrl+F9 किया बट देखिए वाउचर चेंज नहीं हुआ। मींस आप यहां पे वर्टिकल बटन बार में देख रहे होंगे, डेबिट नोट वाउचर हो या क्रेडिट नोट वाउचर हो, हाइड है। इट मींस हमें इसे फीचर्स को यस कराना होगा। फीचर्स F11 प्रेस करेंगे आप, अकाउंटिंग फीचर्स आपके सामने स्क्रीन ओपन होके आएगी। आपकी हेडिंग है इनवॉइसिंग। इनवॉइसिंग हेडिंग में यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, इस फीचर्स को आप यस कराएंगे। आगे है रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड, रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड, इसे भी आप यस करा सकते हैं। इनवॉइस मोड में रिकॉर्ड करना है, कंट्रोल ए से आपने एक्सेप्ट करा दिया। और जैसे ही एक्सेप्ट कराया तो देखिए डेबिट नोट वाउचर एंड क्रेडिट नोट वाउचर्स क्या हो गए, आपके हाईलाइट हो गए हैं। मींस हमने फीचर्स एक्टिवेट करा दिया है। अब एग्जांपल हम लोग देखते हैं। परचेज रिटर्न करने के लिए सबसे पहले हमें गुड्स परचेज करना होगा। 1 June 2020 परचेज फॉलोइंग स्टॉक आइटम्स फ्रॉम राम ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट विद इनवॉइस नंबर। मींस राम ट्रेडर से हम लोगों ने उधार सामान खरीदा, इनवॉइस नंबर मेंशन है और स्टॉक आइटम है ओप्पो स्मार्टफोन 50 क्वांटिटी एट द रेट 7000 एंड सैमसंग स्मार्टफोन 20 क्वांटिटी एट द रेट 8000। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, परचेज वाउचर में एंट्री करेंगे। चलिए तो मैंने F9 परचेज किया। परचेज के बाद हम लोग ने डेट चेंज की 1 June। F2 से डेट आप चेंज करेंगे 1 June। सप्लाई इनवॉइस नंबर हमारा क्या है, PUR RMR 01। फिर पार्टीज अकाउंट नेम राम ट्रेडर्स आर प्रेस किया, देखिए राम ट्रेडर्स मेंशन है। आप में ना बना हो और सी करके राम ट्रेडर्स जिनसे खरीदते हैं वो हमारे सैंडी क्रेडिटर्स होते हैं, उसके अंडर आप कर सकते हैं। परचेज लेजर में परचेज अकाउंट स्टॉक आइटम है ओप्पो, मैंने ओ प्रेस किया, ओप्पो स्मार्टफोन आ गया, क्वांटिटी 50 क्वांटिटी, रेट है हमारा 7000 रेट मेंशन कर दिया। दूसरा स्टॉक आइटम है सैमसंग स्मार्टफोन, सैमसंग स्मार्टफोन लिया, क्वांटिटी 20 क्वांटिटी एंड रेट है हमारा 8000। तो टोटल स्टॉक आइटम 5,10,000 मैंने परचेज किया है। एंटर करेंगे यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम खरीद रहे हैं, न्यू रेफरेंस करेंगे, बिल नंबर आएगा, इनको हम 7 डेज के बाद पेमेंट करेंगे तो क्रेडिट है 7 डेज दे देंगे एंड देन एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। चलिए अब डेबिट नोट वाउचर की एंट्रीज करते हैं। ऑन 3 June रिटर्न द फॉलोइंग गुड्स विच आर इन डैमेज कंडीशन टू राम ट्रेडर्स फॉर द परचेजेस मेड ऑन 1 June। मीन्स जो हम लोगों ने इनसे सामान खरीदा है 1 June को, 3 June को गुड्स डैमेज था, डैमेज कंडीशन में आया कुछ हमारा, तो उसे हम रिटर्न कर रहे हैं विद सेम सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो ओप्पो स्मार्टफोन 20 क्वांटिटी है, सैमसंग स्मार्टफोन 10 क्वांटिटी है। चलिए डेबिट नोट वाउचर की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F9, मैंने Ctrl+F9 किया, डेबिट नोट वाउचर आ गया। F2 से हम डेट चेंज करेंगे, 3 June को हम लोग गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर पे वो नंबर डालते हैं जब परचेज किया था, तो बिल नंबर जो मेंशन किया था मींस PUR RM 01।
ओरिजिनल इनवॉइस डेट में वो डेट डालते हैं जिस डेट में हम लोग ने परचेज किया था, मींस 1st June. किसको हम लोग रिटर्न कर रहे हैं? राम ट्रेडर्स को. मैंने राम ट्रेडर्स ले लिया है. परचेज लेजर में परचेज अकाउंट, नेम ऑफ आइटम, कौन से स्टॉक आइटम रिटर्न कर रहे हैं, ओप्पो स्मार्टफोन, कितनी क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, और सेम रेट में जिस रेट में परचेज किया था मीन 7000. सैमसंग स्मार्टफोन पे रिटर्न कर रहे हैं कितनी क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, एज इट इज सेम रेट 8000, मीन्स 2,20,000 का गुड्स हम लोग रिटर्न कर रहे हैं. अब देखिए जब बिल वाइज डिटेल आएगा तो हम लोग ने परचेज किया था जब फर्स्ट टाइम न्यू रेफरेंस लिया था, अब जब रिटर्न करने की बारी आ रही है तो हम लोग अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे. एंड बिल नंबर PUR/RM/01/2,20,000. नेक्स्ट देखते हैं क्रेडिट नोट वाउचर. क्रेडिट नोट वाउचर की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F8. एक क्रेडिट नोट वाउचर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन डिटेल्स ऑफ सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड. मींस जब हमने गुड्स सेल्स किया था और बिका हुआ सामान मेरा कस्टमर मुझे वापस कर देंगे तो हम क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, On 1st June 2020, sold the following items to Shiva Traders on credit. Means, Shiva Traders को हम उधार सामान बेच रहे हैं. Reference number mention है. Oppo smartphone 20 quantity and Samsung smartphone 10 quantity. तो चलिए पहले sales return entry करने के लिए हमें sales करना होगा. Sales की shortcut की F8. मैंने F8 किया. Date change किया F2 से. 4th June को हम लोग सेल कर रहे हैं. 4th June. रेफरेंस नंबर है हमारा Sale/ST/01. पार्टीज अकाउंट नेम शिवा ट्रेडर्स को सामान बेच रहे हैं तो शिवा ट्रेडर्स ले लिया हमने. सेल्स लेजर्स में सेल्स अकाउंट, नेम ऑफ आइटम, कौन से स्टॉक आइटम सेल करें, ओप्पो स्मार्टफोन, कितनी क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, एंड किस रेट पे, रेट यहाँ पे मेंशन कर देंगे 8000. दूसरा स्टॉक आइटम है सैमसंग स्मार्टफोन. सैमसंग स्मार्टफोन कितनी क्वांटिटी सेल करें, 10 क्वांटिटी, किस रेट पे, इसका रेट है 9000. तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं रेट 9000, मीन्स 2,50,000 का सामान हम लोग बेच रहे हैं और फर्स्ट टाइम सेल करें तो न्यू रेफरेंस आ जाएगा. और यहाँ पे अगर बिल नंबर ना मेंशन हो तो आप यहाँ पे बिल नंबर भी मेंशन कर सकते हैं 01. और सामान बेच रहे हैं आपका कस्टमर कितने दिन के बाद पेमेंट करेगा, 5 डेज के बाद, तो आप यहाँ पे 5 डेज मेंशन कर देंगे. एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे. अब नेक्स्ट हम लोग क्रेडिट नोट वाउचर की एंट्री. अब देखिए ऑन 6th June रिटर्न द फॉलोइंग गुड्स टू शिवा ट्रेडर्स फॉर द सेल्स मेड ऑन 4th June. अब 4 June को गुड्स हमने जो बेचा था वो 6th June को शिवा ट्रेडर्स ने हमें गुड्स रेफरेंस नंबर मेंशन करके वापस कर दिया. ओप्पो स्मार्टफोन 10 क्वांटिटी एंड सैमसंग स्मार्टफोन 5 क्वांटिटी. अब इस एंट्री को हम टैली पे कैसे करेंगे? सबसे पहले क्रेडिट नोट वाउचर की शॉर्टकट की Ctrl+F8. देखिए यहाँ पे क्रेडिट नोट वाउचर ओपन होके आ रहा है. डेट चेंज करेंगे, F2 से डेट चेंज करेंगे 6 June. ओरिजिनल इनवॉइस नंबर हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे Sale/ST/01. एंड डेट वो डेट मेंशन करेंगे जिस डेट में हम लोग ने सेल किया था, मींस 4th June को सेल किया था. पार्टीज अकाउंट नेम शिवा ट्रेडर्स, हमें गुड्स वापस कर रहे हैं तो शिवा ट्रेडर्स ले लेंगे. सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट, और कौन सा गुड्स हमारे पास रिटर्न होके आ रहा है, ओप्पो स्मार्टफोन आ रहा है, कितनी, 10 क्वांटिटी आ रही है 8000 के रेट से. एंड दूसरा है हमारा सैमसंग स्मार्टफोन, कितनी क्वांटिटी वापस आ रही है हमारे पास, 5 क्वांटिटी 9000 के रेट से. Means 1,25,000 goods हमारे पास return होके आ रहा है. And bill number जो already new reference bill बना था उस bill के against हमारा goods वापस आ रहा है, तो against reference Sales/ST/01 का pending bill हम लोग यहाँ पे select करेंगे 1,25,000 और enter करके हम accept करा देंगे. तो दोस्तों आज हमने सीखा टैली सॉफ्टवेयर में डेबिट नोट वाउचर एंड क्रेडिट नोट वाउचर्स में कैसे एंट्रीज करते हैं. अगर किसी भी तरह का डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.